जय श्री राम। मेरी युवा पीढ़ी को बहुत बहुत प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श, और युवा पीढ़ी जो छोटे बच्चे हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्यार, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। अभी मैं थोड़ा मार्केट आई हुई हूँ, तो 7 बजे मुझे वीडियो डालना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई एडिटिंग नहीं करती, मैं रियलिटी पर ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं रखती हूँ। ये मेरी लाइफ में शुरू से ही रहा है, दिखावा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जैसे भगवान मेरे को ज़िंदगी दे रहा है उसी के अनुसार मैं जी रही हूँ। तो कल मैंने आपको बोला था पार्वती मैया और भोलेनाथ का, तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लड़कियाँ कहती हैं पति हो तो हमें भोलेनाथ जैसा मिले, लेकिन भोलेनाथ जैसा पति पाने के लिए पार्वती मैया जैसी सेवा भी करनी होती है, जैसा उनके लिए वो भी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ, यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हैं। तो पार्वती मैया जैसा प्यार करने वाला भी कोई होना चाहिए, कि वर्षों वर्ष तक उन्होंने सेवा करी थी और व्रत किए थे, भूखी प्यासी रही थी, तब कहीं जाके भोलेनाथ उनके नज़दीक आए थे और उनकी शादी हुई थी। तो मेरा ये कहना है युवा पीढ़ी से कि जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाते हैं, पार्वती मैया की पूजा करने जाते हैं, हड़ताल तीज का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं, ये सारे व्रत रखते हैं, तो फिर हम उनकी बातों को क्यों नहीं मानते कि पति परमेश्वर होता है और पत्नी भी होती है, पत्नी भी पार्वती मैया की जगह होती है, वो अर्धांगनी होती है। तो हमें इन चीज़ों को लेना है, लड़का लड़की दोनों को ही मतलब पति पत्नी का विश्वास जीतना है और इज्जत रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन पति जो है, उसके पति को जो है ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल्ड बनाया है, और वो हर चीज़ में आपने देखा होगा कि शमशान घाट में जब जाते हैं जेंट्स ही सारी प्रक्रिया करते हैं, पूरी क्रिया जेंट्स ही करते हैं, लेडीज़ नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती है, बहुत ही इमोशनल होती है। तो आजकल तो खैर इमोशनल नहीं है, एक मिनट में एक बॉयफ्रेंड उनका राइट में चलता रहता है, एक बॉयफ्रेंड जिससे शादी करनी होती है, एक बॉयफ्रेंड ऐसा रहता है जो खर्चे उठाता है, ऐसा करके 3-3 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। तो उसमें मतलब क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, मैंने बहुत देखा है ऐसा, शादी वो किसी और से करती हैं, घूमती किसी और के साथ हैं, मनोरंजन बातें फ़ोन पे टाइम पास कहीं और करती हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं उन लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ जो अच्छी हैं, मैं सब लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों ने पूरे धर्म को बर्बाद कर दिया। तो प्लीज़ युवा पीढ़ी, मैं आपको आगे जाकर के बहुत सी चीज़ें ऐसी बताऊँगी, ट्रिक बताऊँगी कि जो आपके रिश्तों में कभी भी बुराई ना हो। लेकिन मैं अभी सनातन धर्म के लिए की बातों को लेकर के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पति पत्नी का धर्म जो है वो पता चलना चाहिए। जय श्री राम।